everyone, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. Students, हम पढ़ रहे हैं class 9 की biology का chapter tissues. इससे previous videos में हमने types of animal tissues study किए थे, जिसमें हमने epithelial tissue, muscular tissue and connective tissue को पढ़ा था. इस video में हम last kind of animal tissue को study करने जा रहे हैं and that is a nervous tissue. So in this video we will study the structure, where the nervous tissue is found and what is the function of nervous tissue. ये सारी चीज़ें हम detail में study करेंगे. Rest of the kind of animal tissues का लिंक आपको जो भी नोट्स चाहिए यू विल गेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू विल फाइंड द लिंक ओवर देयर. राइट, नाउ स्टार्ट नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू का देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है. द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. नर्वस टिश्यू क्या है? टिश्यू हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है. ठीक वैसे ही सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल होती हैं जो एक स्पेशल फंक्शन हमारी बॉडी में जो है परफॉर्म करती हैं. और उन नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं. राइट, इसको आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा. राइट, तो ये नर्व सेल और न्यूरॉन्स, ओके, इनसे मिलकर जो है ये हमारा नर्वस टिश्यू बना होता है. ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज एंड ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स इज नर्वस टिश्यू. राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नर्वस टिश्यू स्टिमुलेट्स एंड ट्रांसमिट्स द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी. नर्वस टिश्यू का फंक्शन यहाँ पे बताया गया है कि ये स्टिमुलेशन जो भी इम्पल्सेस होती हैं उनको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह हमारी पूरी थ्रू आउट द बॉडी उस इम्पल्सेस को, उस जो भी स्टिमुलस हमारी बॉडी को मिलता है आउटसाइड एनवायरनमेंट से, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ट्रैवलिंग में हेल्प करता है. तो नर्वस टिश्यू स्टिमुलेट्स एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी. राइट, अब उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है. नर्वस टिश्यू द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू. जो थ्री मेन पार्ट्स हैं जहाँ जो नर्वस टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट होता है, दीज आर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. अब देखिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स कैसे एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, पहले इस मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं. ब्रेन हमारा जो है क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है. राइट, लाइक मूवमेंट, लर्निंग, थिंकिंग, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उन सब का डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है. ठीक है, ब्रेन ही हमें आइडिया देता है कि हमें ये करना है, अब मूवमेंट करना है, हमें भूख लग रही है या दिस टाइम वी आर थिंकिंग, है ना. जितनी भी चीज़ें जो भी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका डिसीजन कौन करता है? ब्रेन करता है. देन ब्रेन का जो जब डिसीजन लेने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में. राइट, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में. वे ब्रेन ने जो है डिसीजन लिया कि मान लीजिए उसे मूवमेंट करना है, या हमारा हाथ जो है मान लीजिए किसी भी कांटे पे लग जाता है या किसी भी हॉट वेसल पे लग जाता है, तो ब्रेन जो है उस चीज़ का डिसीजन लेता है कि फलाना चीज़ जो है आपको वो चुभ रही है, उसका स्टिमुलस कैसे आया है, या जो हॉट वेसल आपने छुई है तो वो आपको गर्म लग रहा है कैसे. यानी ब्रेन ही हमें एट वंस डिसाइड करके बताता है कि ये गर्म है या ये चीज़ जो है आप प्रिक कर रहे हो, इससे आपको जो है आपको हार्म होगा. ये सारे जो फंक्शंस की जो इम्पल्सेस आती हैं, सबसे पहले हमारा ब्रेन उस चीज़ को डिसाइड करता है कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट हमने टच किया है. ठीक है, अब ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसके पास जाती है? दैट रीच टू स्पाइनल कॉर्ड. ओके, स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? ये ब्रेन ने भाई डिसीजन लिया, अब उस चीज़ को ये रेगुलेट करती है. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रेगुलेट करती है, मींस उस डिसीजन को जो है हेल्प करती है पूरी बॉडी में जाने के लिए कि हाउ टू परफॉर्म दैट एक्शन, व्हेन टू परफॉर्म दैट एक्शन, कि कब कहाँ कैसे उस जो इम्पल्सिस ब्रेन में पहुँची है, जो डिसीजन ब्रेन ने जिस इम्पल्सिस के लिए लिया है वो कैसे पूरी बॉडी में कहाँ से कहाँ जाना है. ठीक है, वो किसको इन्फॉर्म करेगी? नर्व्स को. राइट,
वो नर्व्स को ये इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी कि ब्रेन से हम ये मैसेज मिला है, ये डिसीजन लिया है कि फलाना चीज़ जो है किसी टच करी है तो ये गर्म है या प्रिक है, जो भी है, जिस तरह की भी इम्पल्सिस ब्रेन तक पहुँचे उसने स्पाइनल कॉर्ड से कहा। स्पाइनल कॉर्ड ने जो है वो नर्व को सारे इम्पल्सिस और सारे जो डिसीजन है वो वहाँ सेंड करे कि सारी इन्फॉर्मेशन नर्व जो है अब कलेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड से और पूरी बॉडी में जो है सेंड करती है, जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्सिस। यानी ये नर्व इम्पल्सिस के फॉर्म में जितने भी इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई नर्व के पास पहुंची वो पूरी बॉडी में जो है उसको ट्रैवल करती है, ट्रांसपोर्ट करती, पहुंचाने का काम करती है। तो नर्व जो है कोई भी इम्पल्सिस, कोई भी आउटर इन्वायरमेंट से जो भी हमें स्टिमुलस मिल रहा है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, राइट। बात हो रही थी नर्व सेल और न्यूरॉन की, तो यही वो नर्व्स हैं जो इम्पल्सिस को जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, राइट, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। भाई नर्व्स क्या है? नर्व जो है वो नर्व फाइबर से मिलकर बना है। अब उस नर्व फाइबर की अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो हम इसमें छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट दिखाई देंगी जिनको हम सेल कहते हैं, है ना। वही हमारी नर्व सेल हो गई। नर्व फाइबर में जो सेल्स जो यूनिट्स प्रेजेंट हैं स्मॉल, दिस इज कॉल्ड द नर्व सेल, और नर्व सेल को भी हम न्यूरॉन कहते हैं, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में नर्वस टिश्यू किस तरह से फंक्शन करता है, कैसे उनका क्या फंक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे थे, नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नर्वस टिश्यू का आपको स्टडी करना है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विच कंप्राइजेज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। अब न्यूरॉन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मिलकर बना होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं, साइटॉन भी कहते हैं, ठीक है। सेल बॉडी को साइटॉन भी कहा गया है, ठीक है। उस साइटॉन और सेल बॉडी में क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस होगा तो फिर हर सेल में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में और ये ग्रीन कलर से जो ये साइटोप्लाज्म मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। जब सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर यही बताता है, राइट। तो जो साइटॉन या सेल बॉडी होता है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से, और जिससे सेल बॉडी से क्या लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज होते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। देन है द न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल एक्सॉन। न्यूरॉन से जो सेल बॉडी होती है उससे लॉन्ग पार्ट निकलता है। ये मान लीजिए न्यूरॉन है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है ये, और इससे एक लॉन्ग पार्ट इस तरीके से टेल लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको कहेंगे एक्सॉन, ओके। एक्सॉन का क्या फंक्शन होता है, विच ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू द बॉडी पार्ट्स। यानी जो एक्सॉन होता है वो आउटर एनवायरनमेंट से जो भी इम्पल्सेज या स्टिमुलस कैरी करता है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो हमने देखा न्यूरॉन का एक पार्ट, हमने क्या देखा, न्यूरॉन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट हमने देखा सेल बॉडी, जिसको साइटॉन भी कहते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और साइटॉन से क्या हेयर थिन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, लॉन्ग पार्ट जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन का फंक्शन हमने देखा, इट ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सिस टू द बॉडी पार्ट्स, राइट। ये देख लीजिए, सबसे पहले इस एक्सॉन का एक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है एक्सॉन, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये पतला सा ये एक्सॉन बताया गया। बेसिकली आप देखेंगे तो जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लांट्स होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे प्लांट्स में ब्रांचेस होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, ठीक वैसे ही न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको आगे जाके अभी हम और क्लियर करते हैं। तो बेसिकली एक्सॉन आप देख लीजिए क्या है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर टेल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या हो गया हमारा, इसको देखें, ये हो गया हमारा सेंटर में न्यूक्लियस, ये हो गया साइटॉन और सेल बॉडी, ये बीच में है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उसी से ही एसोसिएटेड एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हमने एक्सॉन टर्म दिया है, जो आउटर एनवायरनमेंट से सारी स्टिमुलस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिट करता है, राइट। देन द न्यूरॉन हैज शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो न्यूरॉन के से छोटी छोटी शॉर्ट ब्रांचेस निकलती हैं, न्यूरॉन जो है, जो उसका साइटॉन है, जो सेल बॉडी जिसको हम कह रहे हैं, वो छोटी छोटी शॉर्ट ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स,
ओके देन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. मैनी नर्व फाइबर्स कंबाइंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म अ नर्व. और जितने भी ये नर्व फाइबर्स, इन नर्व फाइबर्स में ही तो अंदर सेल्स हैं. सेल को ही सेल बॉडी या साइटोन कहा गया, जिसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. और उस साइटोन से जो है एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको एक्सॉन कहा है. देन साइटोन से छोटी छोटी डिफरेंट ब्रांचेस निकलनी जिन्हें डेंड्राइट्स कहा गया है. ठीक है, अब इसी तरह के कई नर्व फाइबर्स, हर नर्व फाइबर्स के अंदर एक ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. और ये सारे मिल्क से ज्वाइंट होंगे कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन हमने पढ़ा था टू लिंक एवरीथिंग, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल द काइंड्स ऑफ टिश्यू इन द ऑर्गन्स, उनको कनेक्ट करने का काम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू करता है. और एक क्या बनाता है, एक प्रॉपर फॉर्मेशन करता है नर्व का. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन के तीन पार्ट्स कौन से थे, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. ठीक है, न्यूरॉन जो है वो 1 मीटर अप टू लॉन्ग होता है. ये आप याद रखिएगा कि न्यूरॉन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर और क्लियर कर लेते हैं, यही आपने अभी अभी पढ़ा है. ये देखिए, दिस इज द, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं. एंड ये देखिए, दिस इज़ द सेल बॉडी. सेल बॉडी ये हो गई हमारी, ये जो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना, ये सेल बॉडीज को हम साइटोन कह रहे हैं. सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस. ओके, सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और देन चारों तरफ उसके ये उसका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. देन आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं. यस, यहाँ से ये देखिए सेल साइटोन से ये एक एक्सॉन निकल रहा है. दिस इज़ द एक्सॉन जो पूरी बॉडी में इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करेगा. देन साइटोन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस, फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांचेस, जिसको क्या कहा गया है, डेंड्राइट्स. ओके, अब ये एक्सॉन जो है फर्दर जाकर पीछे जहाँ पर इसकी एंडिंग, जहाँ पर ये टर्मिनेट होता है, इस तरीके से जस्ट लाइक अ रूट लाइक स्ट्रक्चर इन द प्लांट, उसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. टर्मिनल मीन्स समथिंग इज गोइंग टू बी टर्मिनेट, जहाँ पर उसकी क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है. तो एक्सॉन जहाँ पर टर्मिनेट होता है, बंद होता है, उस एंड को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. साइटोन सेल बॉडी, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, डिफरेंट स्मॉल ब्रांचेज अराइजेज फ्रॉम द साइटोन दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स, एंड द लॉन्ग स्ट्रक्चर फाइबर अराइजेज फ्रॉम द साइटोन दैट इज एक्सॉन, एंड द एक्सॉन वेयर इट एंड्स, जहाँ पर इसकी ब्रांचेज छोटी छोटी ब्रांचेज में जाके एंड्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर और क्लियर कर लीजिए एक न्यूरॉन का, ये देख लीजिए, दैट इज मोर क्लियर टू यू. ये यस, दिस इज द साइटोन सोमा, इसको सोमा भी कहते हैं, और साइटोन सेल बॉडी, उसमें ये प्रेजेंट हो गया हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है, ये देखिए डिफरेंट ब्रांचेस जो है साइटोन की, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स. ओके, डेंड्राइट्स ये लॉन्ग स्ट्रक्चर निकल रहा है विच इज कॉल्ड एक्सॉन, है ना. एक्सॉन की जो आउटर कवरिंग है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ, है ना, एक आउटर कवरिंग जस्ट लाइक अ सेल मेम्ब्रेन होती है जो चारों तरफ से एक्सॉन को रैप करके रखती है, उसको कहते हैं माइलिन शीथ. एंड वेयर द एक्सॉन, जहाँ पे उसका एंड हो रहा है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. ओके, तो दैट वॉज द अबाउट ऑफ न्यूरॉन. एक्सॉन किस में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. तो दिस वॉज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन और नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स मिलकर जो है क्या बनाती हैं, नर्व फाइबर्स. नर्व फाइबर्स सारे कनेक्ट होकर क्या बनते हैं, नर्वस टिश्यू. और नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन एंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में. और इनका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में जो भी हमें आउटर इन्वायरमेंट से पल्सेस मिलती हैं, स्टिमुलेशन आते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, राइट. जैसे अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हमारा मान लीजिए स्विच पर, अगर किसी इलेक्ट्रिक के स्विच पर हमारा हाथ लग गया, तुरंत हमें जो है ब्रेन ने मैसेज सेंड कर ले, हाथ हटाओ. तो ये सारी ये मैसेज कहाँ, ब्रेन ने दिया, ब्रेन ने डिसीजन लिया, उसने स्पाइनल कॉर्ड से कहा कि नर्व को बोलो कि हाथ वहाँ से रिमूव कर ले, अदरवाइज करंट लग जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नर्व में पहुंची, नर्व को सेंसेशन हुई, नर्व ने तुरंत जो है हमारी बॉडी में जो हमारा जहाँ से हमारा हाथ टच किया था, उसने फौरन हमें वहाँ से अपना हाथ रिमूव करने के लिए जो है स्टिमुलेट किया, इम्पल्सिस सेंड करी. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल.
Please, if you like my video, like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.